नमस्कार, E24 के YouTube और Facebook पेज पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। विकास दुबे, पिछले कई दिनों से यही नाम सामने आ रहा है और आखिरकार शुक्रवार सुबह विकास दुबे को मार दिया गया, उसको ढेर कर दिया गया, उसका एनकाउंटर हो गया। ये खबर सुबह से मीडिया में छाई हुई है। अब इस एनकाउंटर पर भी तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत चर्चा इस पर ऑलरेडी हो गई है। हम आपको इस वीडियो के जरिए ये बताएंगे कि इस तरह से फेक एनकाउंटर या फिर जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, इस तरह की घटनाएं फिल्मों में भी दिखाई जा चुकी है, तभी हम इसे काफी फिल्मी सीन कह रहे हैं। सुबह से आपने भी कई बार ये सीन सुन लिया होगा, ये टर्म सुन लिया होगा कि काफी ड्रामेटिक रहा। विकास दुबे और पुलिस के बीच में जो कुछ भी हुआ काफी ड्रामा हुआ और ये कहीं ना कहीं फिल्मी सीन सा लगता है। क्या आप जानते हैं, ऐसा कई फिल्मों में पहले दिखाया जा चुका है। शायद यही वजह है कि इधर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ और इधर रोहित शेट्टी ट्रेंड करने लगे। अब आप सोच रहे होंगे रोहित शेट्टी क्यों ट्रेंड करने लगे, तो भाई पुलिस की और गैंगस्टर की मुठभेड़, उसमें फेक एनकाउंटर, उसमें मारधाड़, इस तरीके से गाड़ियां पलट जाना जैसे कि आज वाले केस में सामने आई है, ये सब अमूमन रोहित शेट्टी की फिल्मों में ही होता है और इसीलिए ट्विटर पर रोहित शेट्टी ट्रेंड कर रही हैं। उनको लेकर बहुत सारे ट्वीट्स किए जा रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं। लोगों का ये तक कहना है कि रोहित शेट्टी की स्क्रिप्ट यूपी पुलिस ने चुरा ली है। बहरहाल मजाक से हटके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फिल्मों में दिखाई जाती हैं, जैसे सिंघम अगर आपने देखी होगी तो किस तरीके से जयकांत शिकरे का अंत अजय देवगन करते हैं, कैसे पूरी गोवा पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है, कैसे दिखाया जाता है कि वो टोटली फेक एनकाउंटर होता है। और उसी चीज़ से हमें समझ में आता है कि अच्छा, फेक एनकाउंटर ऐसे भी हो सकता है। सिम्बा में भी ऐसे ही होता है, जिस किरदार को रणवीर सिंह ने निभाया था, उस किरदार की जब मुंह बोली बहन के साथ रेप हो जाता है तो न्यायपालिका पर भरोसा नहीं होता है रणवीर सिंह को, तो वो खुद सजा देने का फैसला करते हैं। लिहाजा वो इस तरीके का माहौल बनाते हैं, दोषियों के हाथ में पहले पिस्टल पकड़ाई जाती है, सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है और फिर इस तरीके का सीन क्रिएट किया जाता है कि सामने से हम पर आक्रमण होने वाला था या हो गया था, इसलिए हमने जवाबी कार्रवाई की। एक साउथ की ऐसी फिल्म है जिसका नाम है विसार नहीं, ऐसे करके कुछ नाम है, उसमें भी यही दिखाया गया है, लेकिन वो बहुत दिल को छू लेने वाली कहानी है। ये ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो एक सच्ची कहानी पर आधारित है। दरअसल हुआ क्या था, चार मजदूर जो कि इनोसेंट थे, जिनकी कोई गलती नहीं थी, उनको पुलिस एक बड़े लूटपाट के केस में फंसाती है और ताकि फिर भांडा फोड़ ना हो जाए वो उनका एनकाउंटर कर देती है। तो ये जो चार मजदूर होते हैं बिना किसी गलती के मारे जाते हैं, तो ये इस तरीके से भी फेक एनकाउंटर्स होते हैं, हर बार नहीं लेकिन कई बार होते हैं। और अब जो विकास दुबे वाला केस आया है तो लोग कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर पा रहे हैं। हालांकि अभी सब जांच का विषय है, सारी चीजें चल रही हैं, इस पर अभी हम कुछ भी टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन फिल्मों में ऐसा बहुत कुछ दिखाया जाता है और शायद यही वजह है कि विकास दुबे को लेकर भी कोई ना कोई फिल्म जरूर बन सकती है। अभी कुछ पाइपलाइन में तो नहीं है, कोई ऐसी खबर नहीं आई है, लेकिन आपको बता दें अभी हाल ही में मनोज वाजपेयी की एक फिल्म आई है जिसका नाम है भोसले। उसके जो प्रोड्यूसर हैं संदीप कपूर, उन्होंने आज सुबह एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि बहुत ड्रामेटिक हुआ है जो विकास दुबे के साथ एनकाउंटर हुआ है, काफ़ी फिल्मी सा लगता है, क्यों ना इस पर एक फिल्म बनाई जाए जिसमें लीड कैरेक्टर निभाए मनोज वाजपेयी। और बाकायदा मनोज वाजपेयी को जो फिल्म मेकर हैं भोसले के, जो प्रोड्यूसर हैं संदीप कपूर, ने टैग भी किया है। हालांकि मनोज वाजपेयी का कोई रिप्लाई नहीं आया है, धीरे धीरे खबरें आने लगी थी कि मनोज वाजपेयी इच्छुक हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मनोज वाजपेयी ने क्लैरिफाई किया है कि वो अभी इस फिल्म को लेकर ना ही इच्छुक हैं, ना ही कोई बात चल रही है, ना ही कोई ऑफिशियल ऐलान हुआ है, लेकिन वो कहते हैं ना, अगर थोड़ा सा भी कहीं से धुआं है तो आग तो होगी। अगर किसी फिल्म मेकर के दिमाग में ये आइडिया आया है तो हो सकता है आने वाले 1-2-3 सालों में इस फिल्म को भी पर्दे पर लाया जा सके जिसमें विकास दुबे की कहानी को दिखाया जा सके। बहरहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बॉलीवुड की बाकी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।